थोड़ा देख के देखता हूँ कैमरा से आगे निकलता नहीं निकलता तो ये मिडिल क्लास से हायर क्लास का आसपास का घूमने का जरिया होता है टू व्हीलर। और अगर टू व्हीलर इलेक्ट्रिक हो जिसमें कि कोई एमिशन ना हो, कोई पॉल्यूशन ना हो और ना ही कोई खर्चा हो आपका, तो फिर क्या ही कहने। आज मैं आया हूँ SL एनर्जी की फैक्ट्री में और यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं आपको कि ये स्कूटर्स कैसे बनते हैं या फिर क्या ऐसा इनका काम है या फिर क्या इनकी डिटेल्स है। तो पूछते हैं यहाँ के सेल्स मैनेजर से। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर्स का है। इसमें हमारे तीन वेरिएंट आ रहे हैं जिसमें एक वेरिएंट लेड एसिड बैटरीज के साथ में है जो कि करीब 40 से 50 किलोमीटर का माइलेज देगा। दूसरा वेरिएंट लिथियम आयन बैटरी के साथ में है और जो लिथियम आयन बैटरीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है कम्युनिकेबल बैटरी। बातें हो गई बहुत, अब करते हैं इसकी टेस्ट राइड और टेस्ट राइड के बाद जो इसका रिस्पॉन्स आएगा वो देखने वाली बात है। देखिए SL एनर्जी है, इन्होंने स्कूटर बनाया काफ़ी अच्छा है देखने में तो, बट चलता कैसा है। तो मैं इसके अब ये पार्किंग मोड हटा के और इसके मैं चलूँगा फर्स्ट मोड पे, देखते हैं स्पीड कितनी आती है इसके फर्स्ट मोड में। तो काफ़ी स्मूथली उठाया ये स्कूटर, हल्की हल्की चला रहा हूँ मैं अभी क्योंकि हमें मूविंग शॉट्स भी लेने हैं, तो काफ़ी स्मूथली उठाया है। एक बार इसका फर्स्ट मोड पे थ्रॉटल दे के देखता हूँ कैमरा से आगे निकलता नहीं निकलता तो ये निकल रहा है कैमरा से आगे निकल रहा है। अब जो है इसका डालते हैं सेकेंड मोड फिर चेक करते हैं। तो सेकेंड मोड में इसका डाल दिया, अब ये सेकेंड मोड हो गया। अब यहाँ से ये यार लुक वाइज काफ़ी सही सा लग रहा है स्कूटर, थोड़ा जेन्युइन सा स्कूटर टाइप फीलिंग है इसके अंदर। हाँ थोड़ा सा साउंड तो कुछ आ रहा है बट स्कूटर टाइप फीलिंग है। अब चलते हैं इसका थर्ड मोड पे और थर्ड मोड पे मैं दिखाऊंगा कि इसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ से इसका थर्ड मोड एक बार स्टार्ट करते हैं, मैं अभी बहुत दूर आ गया हूँ। तो ये देखिए है तो टॉप स्पीड तो 25 की है, बस ये होगा कि थोड़ा सा टॉर्क, थोड़ा सा पिकअप वगैरह ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं इनके अंदर, क्योंकि जो ये होते हैं ना जो मोड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो स्कूटर है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर, आज की डेट में काफ़ी सारी कंपनीज इनके ऊपर काम कर रही हैं और काफ़ी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि कुछ अच्छा भी कर रही हैं, जैसे कि ये एक SL एनर्जी है। अभी देखिए इनका जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में कितना धूम मचा पाते हैं या नहीं, लेकिन बट जैसे फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप देख रहे होंगे इस स्कूटर का तो हाँ ऐसा तो है कि काम हमारा चल सकता है। तो ये है इनका बोल्ट 2 करके स्कूटर। तो स्कूटर का जो लुक है थोड़ी सी पास आके दिखाओ यहाँ से, तो कुछ पीछे से इस टाइप के हैं बोल्ट ऐसे करके लिखा हुआ है। और ये जो इनका फ्रेम है यहाँ पे इन्होंने एक फाइबर का और पार्ट यूज़ किया हुआ है, पीछे हब मोटर का यूज़ किया हुआ है और जो इसकी ब्रेकिंग है रेयर वाली वो ड्रम ब्रेक है यहाँ से अगर देखा जाए तो। पीछे से अगर देखा जाए तो देखो कुछ इस टाइप का ये लगता है, काफ़ी अच्छी सी ये एक LED लाइट। अगर इसको ब्रेक मार के मैं दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से ये जलेगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में या इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर नंबर प्लेट की जरूरत तो नहीं होती, वैसे जो हाई स्पीड वाले हैं उनके अंदर होती है, लो स्पीड वालों में नहीं होती। और ये लो स्पीड है तो इसमें कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है यहाँ से। थोड़ा सा इस तरफ से अगर इसको देखें इस तरफ से, तो यहाँ पे इसमें ये बूट है। एक बारी मैं इसका अगर इसका बूट खोल के दिखाऊँ यहाँ से तो ये कुछ इस टाइप से खुलेगा। अंदर इसके अंदर इतना स्पेस है जैसा कि हमने आपको दिखाया अभी, तो बैटरी का तो इसके अंदर है, बैटरी नीचे की तरफ यूज़ हुई है और जो बूट है उसको थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। कुछ इस टाइप से ये लगेगा स्कूटर आपके सामने। एक बार थोड़ी सी पास आके दिखा दो इसको, तो यहाँ पर अगर इसके कंट्रोल्स देख लें तो ये जो कंट्रोल्स हैं ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी की लगाई एक्चुअली, तो ये इसके कुछ कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। तो ये है लाइट का, आपको लाइट ऑन ऑफ करनी है। ये है स्पीड, ये क्रूज़ कंट्रोल है बेसिकली इसका, अभी तक हमने इसको चेक नहीं किया है। ये सेल्फ है बट इसका कोई अभी यूज़ नहीं है, इसका हॉर्न का यूज़ होगा तो कुछ इस टाइप का इसका हॉर्न है। ये इसका पार्किंग बटन है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1, 2, 3 मोड है इसके अंदर। ये अगर देखेंगे तो हाई एंड लो पासिंग लाइट्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स, नीचे हॉर्न और ये हैजार्ड सिस्टम है और ये है रिवर्स। एक बार इसका रिवर्स मोड चेक करते हैं। तो रिवर्स मोड इसका बटन दबा के अगर मैं इसको थ्रॉटल दूंगा तो ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, नाइस, ये तो होना ही चाहिए। अब एक बार इसका मैं जो क्रूज कंट्रोल है वो चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ थ्रॉटल देता हूँ और स्पीड पे इसको रोक देता हूँ। ये देखो अपने आप चलेगा वो हल्की हल्की स्पीड पे, तो मतलब जो क्रूज कंट्रोल है वो भी जो है काम कर रहा है अपनी जगह। क्यूट तो लग रही है चीज़। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट वर्जन है ना वो कैसा है, उसके अंदर क्या खासियत है। ये है नेक्स्ट मॉडल। देखिए जो स्पेसिफिकेशन है जो भी चीज़ें हैं टेक्निकली वो ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या है कि जो डिज़ाइन है वो थोड़े से चेंजेस हैं। तो कैसी रोड प्रेजेंस कैसी लगती है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ इस टाइप की इसकी रोड प्रेजेंस होगी अगर आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो।
तो बेसिकली दिखाने की ये कोशिश है इसमें कि आपकी जो रोड प्रेजेंस है वो कैसी होने वाली है। अगर मैं इसको अपनी सोसाइटी के अंदर भी यूज़ करता हूँ, आसपास लेके जाना चाहता हूँ, कोई गेम खेलना चाहता हूँ, कोई मैं क्लब में जाना चाहता हूँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके, तो मुझे ही लगता है कि ये सब चीज़ें काम नहीं आ सकती। बट हाँ, इनके रेट्स वगैरह अच्छे होने चाहिए। एक बार इसको अगर तेज़ चला के देखते हैं, एक बार इसको तेज़, तो यहाँ से देखिए मैं इसको अभी थर्ड मोड पे हूँ और कैमरा अभी हमसे काफ़ी दूर जा चुका है। तो यहाँ से 3, 2, 1 स्टार्ट, देखते हैं कितनी तेज उठता है ये। तो ये 25 की स्पीड तो इसने ऐसे ही पकड़ ली, छूते के साथ ही 25 की स्पीड पकड़ ली इसने और काफ़ी तेज़ी तेज़ तरीके से ये चल रहा है। तो ये है गाइस इसका कुछ साइड व्यू, साइड से बंदे ऐसा लगेगा। और अगर रेयर से देखें इसको एक बारी, तो रेयर से कुछ इस टाइप का लगने वाला है। स्कूटर है तो सही, प्रेजेंटेबल, बट आगे क्या करेगा कैसे करेगा वो तो देखने वाली बात है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो दिस इज़ द मीटर, जिसमें एक ये पार्किंग मोड है। जब तक मैं इस पार्किंग मोड को ऑफ नहीं करूँगा थ्रू दिस बटन, तो ये स्कूटी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। अब ये स्टार्ट होगी। ओके, इसकी टॉप स्पीड कितनी है? टॉप स्पीड इसकी 25 किलोमीटर पर आवर। और बाकी बंदे के वेट से और जिस टेरेन पे वो चल रहा है उसके बाकी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर हल्का बंदा चलाएगा तो ज्यादा भी चल सकता है। नहीं, स्पीड क्योंकि लो स्पीड व्हीकल्स हैं तो स्पीड उतना ही रहेगा। बट डेफिनेटली जो अगर लाइट वेटेड आदमी कोई चलाएगा, मुझ जैसा चलाएगा, तो डेफिनेटली वेट कम आएगा, माइलेज कम आएगा। बट अगर थोड़ा सा लाइट वेटेड आदमी चलाएगा तो डेफिनेटली इसकी माइलेज में फ़र्क आएगा। इसमें नॉर्मली देखें तो आज के डेट में जो स्कूटीज हैं उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि डिक्की के अंदर, क्योंकि बैटरी के इशू होने की वजह से, बैटरी साइज होने की वजह से आपको डिक्की के अंदर या बूट स्पेस में स्पेस नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इस स्कूटी को जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, अच्छा, एक अच्छा खासा स्पेस है जिसके अंदर आप इजीली हेलमेट या अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रख सकते हैं। ओके, ये तो अच्छा है। और बैटरी कहाँ है इसमें? इसके बैटरी इसके नीचे है। अच्छा, ये ऐसे ही करके ये ऐसे निकल जाए, बाहर निकल जाएगा पूरा। और दिस इज, ये हम लोगों की लिथियम आयन बैटरी जो हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 स्पीड मोड दिया है। जैसे अभी ये 2 पर है, यहाँ पर आप साइन देख रहे होंगे 2 स्पीड मोड। मैं इसको प्रेस करूंगा चलाते हुए तो ये 3rd स्पीड मोड पे आ जाएगा। ओके, 3rd स्पीड मोड पे आपका स्पीड और पिकअप आ जाएगा उसके अंदर। तो मतलब इसको, मतलब 25 की स्पीड को ही 1-2-3 के अंदर, 1-2-3 में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, डिवाइड किया हुआ है ऐसा करके। अच्छा, और इसके अंदर, इसके अंदर साथ में इसके अंदर मोटर असिस्टेंट मोड है। मोटर असिस्टेंट मोड का मतलब ये है कि मेरे कोई भी मॉडल को आप फॉरवर्ड तो चला ही सकते हैं इस बटन के थ्रू। रिवर्स का एक बटन है यहाँ पर, प्लीज इसके थ्रू आप इसको रिवर्स भी ले सकते हैं। ये हमारा बोल्ट स्क्वायर है। दोनों मॉडल्स में ऑलमोस्ट लुक सेम है, फीचर सेम है। द ओनली डिफरेंस कि इस मॉडल के अंदर हम लोगों ने क्रूज मोड भी दिया है। अभी तक हम लोग बहुत जो प्रीमियम कार्स आते हैं उन्हीं के अंदर हम देखते हैं कि सर हमारे पास क्रूज मोड है, बट दिस इज द मॉडल जिसके अंदर हमारे पास क्रूज मोड भी है। तो मतलब लोग SL NSG का अगर ये स्कूटर लेते हैं तो क्रूज मोड, क्रूज मोड मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। महंगी कारों का फायदा कि स्कूटी में मिलेगा। इसकी लाइट के बारे में कुछ बताइए, काफी इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली ये कलरफुल लाइट हम लोगों ने इसमें दिया है। 3-4 कलर्स इसमें एक साथ, जब आप इसको ऑन करेंगे तो डे मोड के अंदर ये 2-3 कलर्स के साथ में, रेड और रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, ये 4 कलर्स के साथ में चेंज होती रहेंगी, ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी ये। और इस मॉडल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि DRL भी है यहाँ पे और टर्न इंडिकेटर्स पे, आई थिंक ये अच्छे से अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। और ये एक्चुअल में ये LED हेडलैम्प है यहाँ पे, तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस मॉडल में और इस मॉडल की जो प्राइसिंग है जी, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के मॉडल्स में। अगर मैं एक एवरेज की बात करूँ तो सिर्फ 1000 रुपीज़ और 1200 रुपीज़ का डिफरेंस है बस दोनों मॉडल। और स्पेसिफिकेशन का क्या फर्क है? स्पेसिफिकेशन में डेफिनेटली मॉडल्स में वेरियंट्स का फर्क है कि ये वाला मॉडल जैसे हमारा 27 और 30 AH में आता है, ये 24 AH और 26 AH में है। अच्छा, एक लेमैन बंदा जो वहाँ पे मिल जाएगा उसको एज का नहीं पता? नहीं, एज से, एज से मेरा मतलब है कि उसके माइलेज का फर्क है दोनों स्कूटीज के अंदर। रेंज बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है बैटरी के अंदर, पावर, बैटरी का पावर ज्यादा होगा। एज की, अगर ज्यादा एज की मैं बैटरी दूंगा तो डेफिनेटली इसका माइलेज बढ़ जाएगा। तो गाइज, ये है SL NSG के कुछ मॉडल्स और कुछ मॉडल्स की हमने आपको टेस्ट राइड लेके दिखाई। तो मेरा काम है आपको ये वीडियो बना के दिखाना, बाकी आपका काम है कि आप इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।